3 सितंबर 1864 में हुआ था। यह अहरी टोला कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्रीमंत गंगोपाध्याय। वे एक प्रीस्ट थे, एक पंडित थे, संस्कृत के आचार्य थे और उन्होंने योग और तंत्र का पाठ की साधना की थी, उसके बारे में जानते थे। और उनकी माता का नाम था वामा सुंदरी और उनका जन्म 3 कन्याओं के बाद हुआ था। उनकी माँ ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे एक पुत्र होवे, उसके बाद में उनका हुआ जन्म। और उनका गंगाधर उनका नाम था, अखंडानंद हम कहते हैं लेकिन गंगाधर था। स्वामी जी उनको गेंजेस कहा करते थे और दूसरा स्वामी जी जो दूसरा नाम रहते थे वो था आइस फादर, आइस फादर, क्योंकि वो हिमालय में बहुत घूमे थे, पर्वतों में, यानी कैलाश तक, मानसरोवर तक गए थे, तिब्बत तक गए थे, 3 बार तिब्बत गए थे। तो ऐसे ये थे, तो अरेस्ट भी हुए थे और उनको कई प्रकार से वो लामाओं ने पकड़ के मारने की कोशिश भी की थी। तो वो इनका बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि एडवेंचर्स, बहुत सारे एडवेंचर से युक्त उनका जीवन था। बचपन में वो काफ़ी बुद्धिमान थे और अपना चरित्र बनाने का उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। ऑस्टेरिटी, तपस्वी थे, 4 दिन में 4 बार स्नान करते थे, तेल नहीं लगाते थे, उससे शरीर जो है वो बिल्कुल सूख गया था, ड्राई हो गया था। हाँ, ओंठ जो हैं वो सफ़ेद हो गए थे। ऐसी स्थिति में वे श्री रामकृष्ण के पास आए थे। वेजिटेरियन डाइट, शाकाहार करते थे और अपने हाथ से खुद बनाकर खाते थे, प्राणायाम करते थे, प्राणायाम का खेल करते थे, जानते हैं ना, वो नाक बंद करके और पानी में डूब के पत्थर पकड़ के वहाँ पर रहते थे, कितनी देर तक मैं पानी में बिना सांस लिए रह सकूं। और अत्यंत, जिसे कहते हैं, रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स। बचपन से ही वे करुणामय थे। एक व्यक्ति था, उसको कुछ शर्ट नहीं था पहनने को, तो उन्होंने अपना शर्ट दे दिया था और अपना खाना जो है वो भिखारियों को दे दिया करते थे। 12 बरस की उम्र में उनका यज्ञोपवीत हुआ और उसके बाद गायत्री 3 दाइम उसको करते थे और शिव जी की पूजा करते थे। 1877 में सबसे पहले उन्होंने अपने बाल्य मित्र हरिनाथ, यानी जो आगे तुरियानंद हुए, उनके साथ बाग बाजार में दीनानाथ बोस के मकान पर श्री रामकृष्ण का दर्शन किया था। उसके बाद में 1883 या 1884 में गर्मियों में दक्षिणेश्वर जाकर उनका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था। तो श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, जब पहले पूछा कि तूने मुझे के पहले कभी देखा है, तो क्या, हाँ बचपन में मैंने देखा है। तो श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अरे इसका भी बचपन होता है। वैसे उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष हो गई थी, लेकिन ना 100 ना उम्र, उनकी जन्म हुआ 1867 में, 68, और 1877 में उन्होंने श्री राम कृष्ण को देखा है, 9 वर्ष की उम्र में, 64, मेरे पास तो 64 लिखा हुआ, यहाँ किताब में 68 लिखा, लेकिन 77 यानी 13 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद में 63 में, यानी 19 वर्ष की उम्र में श्री रामकृष्ण से मुलाकात हुई 1883 में। तो वो 19 वर्ष की उम्र, फिर भी वो बच्चे दिखते थे जो है। अच्छा, उसके बाद में श्री रामकृष्ण कहते थे शनिवार मंगलवार को आना, शनिवार को आने था, जिसको वो चाहते थे उनको शनिवार को बुलाया करते थे।
फिर उसके बाद जब एक बार आए, उन्होंने श्री राम कृष्ण उन्होंने ध्यान करने के लिए कहा, तो जब बैठे तो आगे झुक गए पीछे झुक गए उनका सीधा बैठने का, तो एक बार श्री राम कृष्ण ने उनको सीधा बैठने की बात कही थी। और इस बीच एक और बात हुई थी जो कुछ पुस्तकों में मेंशन है, कुछ में नहीं है। माँ उनकी उनका विवाह करना चाहती थी, तो क्या कहा था उन्होंने वाले में कि जल्दी जल्दी मेरा विवाह कर दो, जिस तुमको एक और माँ मिल जाएगी तुम्हारी मदद करने के लिए। वाह, माँ ने कहा बाबा ये तो सबको मारियों को माँ देखता है। उसके बाद विवाह की बात कभी नहीं उठाई। अच्छा, पहली बार गए थे, रात को रह गए, और जब भी उसके बाद ठाकुर के पास जाते थे तो वो रात को वहाँ पर रह जाया करते थे। अच्छा, एक बार उसके बाद उन्होंने बिल्कुल झुककर नहीं बैठना, सामने तनकर भी नहीं भेजना, और उसी समय उन्होंने श्री राम कृष्ण ने उनके जीभ पर लिखकर कुछ लिखकर उनको उन्होंने दीक्षा प्रदान, फिर उनको पैरों को उनकी गोद में रखकर कहा कि सहलाओ। तो कुश्ती लड़ा करते थे, जोर जोर से दबाया, ये श्री राम कृष्ण के पास कई बार होता है, निरंजन के साथ भी हुआ था। अरे अरे क्या कर रहा है भाई, तो उनको पता चला है कि श्री राम कृष्ण का शरीर जो है वह अत्यंत कोमल। तो बाद बार बार जब जाते थे, मैंने भी कहा रात को वहीं रह जाते थे, और एक बार वो जो है वो ऑर्थोडॉक्स जिनकी उनकी जो वो रूढ़िवादी जो आदतें थी उसके संबंध में उनके मन में प्रश्न उठता था, तो एक बार एक व्यक्ति से बात करते हुए श्री राम कृष्ण ने दृष्टांत देकर कहा था कि देखो ये लोग हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कितना सब करते हैं। तब उनको प्रोत्साहन मिल गया कि मैं जो कर रहा हूँ ये बुरा नहीं। और उसके बाद में ये वेजिटेरियन थे यानी शाकाहारी थे, लेकिन एक दिन श्री राम कृष्ण ने उसको कहा काली घर में जाके हविष्यान्न खा गया, तो चहे नहीं चले गए, देख रहे हैं पीछे मुड़ कर देखा तो श्री राम कृष्ण देख रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उस दिन उनको हविष्यान्न नहीं मिला, और कहा बाद में खाना खाने के बाद में थोड़ा सा पान खाना चाहिए, उससे गंध वंध नहीं आती। और उसके बाद एक बार कलकत्ता लौटते ही उन्होंने कहा देखो भोजन खाना है, उसके बाद गंध भी नहीं आएगी। देख नरेंद्र जो है वो सौ सौ पान खा जाता है, जो मिलता है खाता खड़ा खा लेता है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, कलकत्ते के जाते समय तो उसके पास जाना। उसके बाद नरेंद्र से मिले, और उसके बाद नरेंद्र के साथ में उनके सारे जीवन की का घनिष्ठ संबंध बना रहा। एक बार श्री राम कृष्ण के पास वे थे, और एक दिन बहुत देर तक श्री राम कृष्ण एक वृंदावन विहारिणी राधा हमारी हैं, राधा हमारी हैं, हम राधा के हैं, ऐसा गाना गाते हुए आंसू बहाते रहे, और ओए ऐशो माँ और हृदय रमा वो भी गाना गाया, और श्री राम कृष्ण आंसू बहने लगे और समाधिमग्न हो गए। यह उनके जीवन में उनके मन पर एक गहरा छाप उसमें छूट गया था। एक बार श्री राम कृष्ण ने बड़ा सुंदर उनको बताया, अच्छा ध्यान करता है तब ध्यान में आंखों में आंसू आते हैं क्या? हमारा तो सारा जीवन कभी भी आंसू नहीं। ठाकुर बार बार सब लोगों को कहते थे आंसू आना चाहिए, कभी नहीं आता। उत्तर दिया आया था, श्री राम कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, फिर कहा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, बताया
और छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर पटकते हुए जो बिस्तर पर जमीन पर लेट गए, हाथ पैर पकड़ते हुए माँ रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। और उसके बाद में वे समाधिस्थ हो गए। एक और घटना बड़ी इम्पोर्टेंट है श्री राम कृष्ण के साथ में। एक भिखारी ने कुछ पैसे मांगे, श्री राम कृष्ण ने उसको एक आना उसको दिया, इसको कहा कि वो देखो एक आना है उसको लेके उसको दे दो, उसको दे दिया। अखंडानंद जी ने अपने हाथ से दिया। श्री राम कृष्ण ने कहा कि जाओ गंगा जल में उस हाथ से धो के आओ, अच्छी तरह धुलवाई हाथ से, और धोकर उसके ऐसा यानी उन्हें इस प्रकार से धुलवाया मानो बहुत बड़ा उसने बुरा काम कर दिया। परिणाम ये हुआ कि अखंडानंद जी कहते हैं कि वो मन में ऐसी बात बैठ गई मुझे कि पैसा भयानक चीज़ें छूना नहीं चाहिए। 14 वर्ष भारत का भ्रमण किया, गुजरात इत्यादि हिमालय में उन्होंने पैसा नहीं छूना। एक बार दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में गए और देखो शिव जी को देखा ना, देखो जब अखंडानंद ने वहाँ देखा तो शिव जो उसको चिन्मय जीवंत दिखाई दिए, वो तो पत्थर की मूर्ति है लेकिन जिनको जीवंत चिन्मय दिए। तो इस प्रकार की ये उनकी छोटी छोटी श्री राम कृष्ण के साथ की कुछ घटनाएं हैं। एक बार कामिकांचन पर थूकता हूँ, श्री राम कृष्ण ने ऐसा कहा और बार बार थूका, उसका भी मन पर वो गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद में काशीपुर गार्डन में हजमे श्री राम कृष्ण ने कैसा कहा था, जो तो दिन बाँची तो दिन सीखी, एज लॉन्ग एज आई लिव सो लॉन्ग डू आई लर्न, ये भी श्री राम कृष्ण जो कहा करते थे ये उन्होंने सीखा। इसके बाद में हम उनका दूसरा जीवन प्राप्त करते हैं, वो हिमालय में यात्रा का। कब निकल गए श्री राम कृष्ण, श्री राम कृष्ण के शरीर जाने के बाद में वो हिमालय तिब्बत राजपुताना आदि सारे समय में बहुत सारे स्थानों पर वो घूमे थे, कई स्थानों पर गए कुछ समय तक। तो पहले तो उनके पास में एक कहीं पर गए, एक साधु मिले, उन्होंने उनको देखकर उनको पर प्रति बालक ये गंगाधर के प्रति प्रेम उमड़ाया। उसने कहा कि कंबल दे, कुछ लेने का देने का प्रयत्न किया, उन्होंने कुछ नहीं लिया, एक लाठी ले ली बस। और जूता नहीं पहनते थे, बिना जूता पहने कई वर्षों कई दिनों तक घूमने के कारण पैर में छाले भी पड़ गए। उसके बाद वो यमुनोत्री उत्तरकाशी इत्यादि सब स्थानों पर गए और वहाँ पर एक बार उन्होंने, और इस तरह से काफ़ी घटनाएं हैं कि जहाँ कहीं भी साधु दिखते थे तो उनकी वो मदद करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक कहीं दिख गए किनारे पर मरणासन्न साधु दिखे, काफ़ी कष्ट उठाते हुए उन्हें वे धर्मशाला ले गए। अगले दिन ही साधु का शरीर त्याग हो गया, गंगाधर महाराज ने उनके शरीर की जल समाधि की व्यवस्था गई। गंगोत्री में जब पहुँचे तो वहाँ पर गुफा में उन्होंने एक बड़ी गुफा में एक ब्राह्मण को देखा जो 3 दिन तक भूखे थे, वो स्वभाव से सेवापरायण, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और वो ब्राह्मण उनके ऊपर बहुत मुग्ध हो गए और वे उनके साथ में कुछ समय तक 7 दिन तक उनके साथ में रहे, लेकिन ये अकेले निकल गए, रुकना नहीं चाहते थे। एक स्थान पर रास्ता भूल गए, ये एक विचित्र बात है, रास्ता भूल गए थे, नीचे उतरने का था जंगली रास्ता, नीचे उतरने का रास्ता भूल गए, पहाड़ियों झाड़ियों से झटक पड़ा हुआ था तो चलना कठिन हो रहा था और वो जो लताएं हैं उनको पकड़ पकड़ के वो उतर रहे थे। और अचानक वो एक पहाड़ी किसान एक खेत में उतरे, किसान ने देखा असंभव,
सीधे पहाड़ से नीचे कैसे आ गए, लगभग एक मील होगा या क्या होगा, जैसा भी होगा बहुत ऊंचा वो होगा। वो कहा कि बाप रे, ये चंद्रवदनी माई चंद्रवदी के दर्शन करने गए थे, इस रास्ते से तो शिकारी भी नहीं चल सकते, ये कैसे आ गए। उसके बाद अनेक स्थानों पर गए, केदार शिवलिंग में कभी दर्शन किया उन्होंने, और फिर उसके बाद में केदार बद्रीनाथ के दर्शन के कारण उसके बाद में उनकी इच्छा हुई तिब्बत का भ्रमण करने की। तिब्बत में माना पास जो है उससे होकर गए, 3 महीने बाद नीति घाट से वापस लौटे और मध्य भाग में पार्वती देवी का जन्म स्थान कहते हैं, और उनका पिता पितरा का लय, वो तो पार्वती तो माँ पार्वती तो है ना, हिमालय की कन्या है, वो देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। और उसका बनाना वर्णन है कहाँ कहाँ गए थे, उसको देखने से उसको कहने से वो संभव नहीं होगा, बहुत सारा विस्तार है। और उसके बाद में उनका चेहरा वहाँ रहते रहते तिब्बतियों जैसा ही चेहरा हो गया था, तिब्बत में रहते हुए तिब्बतियों जैसा ही चेहरा हो गया था। तो एक बार अचानक एक गंगाधर तिब्बत वेशा थे, इसलिए एकाएक जब उन्होंने शिवानंद जी को देखा तो शिवानंद जी अपने महापुरुष महाराज, उन्होंने जब देखा तो उनको पहचान नहीं सके। तब अखंडानंद जी बोले, दादा दादा उनको कहकर उनको उन्होंने आलिंगन कर लिया। उनके साथ में शिवानंद जी ने गंगाधर को पुनः जाने को मना किया, तिब्बत जाने को मना किया, लेकिन फिर भी वे वापस तिब्बत गए। इस बार लद्दाख होकर गए थे, और एक दो बार उनको पुलिस वाले पकड़ लेते थे, ये सरकार ब्रिटिश सरकार एजेंट समझकर पकड़ लेती थी, और दूसरे लोग और किसी प्रकार से पकड़ लेते थे। जो भी हो, 3 बार तिब्बत का भ्रमण किया। तिब्बत में वो थुलिंग मठ में जाकर तिब्बती भाषा को सीखा, बड़ी आसानी से तिब्बत भाषा सीख ले, लेकिन तिब्बती लामाओं के ऐश्वर्य और विलासिता को देखकर और निर्धनों पर अच्छा अत्याचार देखकर उन्हें बहुत खराब लगा, और उन्होंने विरोध किया। तो विरोध किया तो ये उन्होंने एक कंधे पर म्यान युक्त तलवार रख के कहा कि अगर करोगे तो तुमको मार डालेंगे, उसको म्यान युक्त तलवार से उनको मारा। उसके बाद में वे वहाँ से चले आए, उसको कहा मालाओं ने गाल दुरुस्त कर दो, यानी गला काट दो जिससे बात नहीं कर सके, उसे बाहर दूर भाग निकल भागे, और तिब्बती सर पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो तो ऐसे रहने लग गए थे और समझने लग गए थे कि ये एक जासूस हैं इत्यादि। उसके बाद कुछ लोग उनका ये तिब्बत वहाँ रहते हुए, एक बार एक व्यक्ति उनके पास श्री रामकृष्ण का फोटो देखकर बहुत मुक्त हो गया, और जितने दिन उनके साथ रहा उतने दिन वो चित्र को बुद्ध के समान एक आसन पर रखकर उसकी पूजा करता रहा। ते बाद तिब्बती पुलिस के हाथ से मुक्त होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते समय वे डाकुओं के हाथ में पड़ गए, और उन्होंने गुड़ भुने चावल इत्यादि देकर अपने प्राण बचाए। और तीसरी बार लासा जाने के प्रस्तुत होने पर मित्रों ने विरोध किया, इसलिए उन्होंने उसको त्याग। वो इसीलिए स्वामी जी जिसे कहते हैं ना आइस फादर। इस बार इस काल उन्हें स्वामी विवेकानंद का अनुसरण करके बाद हम देखते हैं इन्हें स्वामी विवेकानंद के साथ उत्तर पश्चिम भारत में अनुसरण करते हुए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की इच्छा हुई थी कि वे भी उत्तर भारत में जाएं, हिमालय में घूमें, तिब्बत में जाएं, और जानते थे कि गंगाधर को इसका अनुभव है तो उनको लेकर चले, लेकिन वो जा नहीं सके। इसके पहले ये भी बात थी कि स्वामी जी से मिलना चाहते थे, पता चला कि गाजीपुर गए हैं, तो गंगाधर आए गाजीपुर, पवारी बाबा से भेंट हुई, लेकिन स्वामी जी तब तक चले गए थे।
इस बार बीमार हो गए, वापस मठ पहुँचे और मठ पहुँचकर इस बार उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी अखंडानंद नाम रखा। उसके बाद मठ में बुला लाने के पीछे स्वामी जी उनके साथ, स्वामी जी ने बुलाया था मठ में, उनका उद्देश्य था कि इनके साथ में हिमालय भ्रमण करें क्योंकि ये समय हिमालय के बारे में जानते हैं। इसके बाद स्वामी जी और अखंडानंद मेरठ आए और मेरठ में एक दृष्टांत घटना हुई कि वहाँ पर स्वामी जी किताब पुस्तकें पढ़ा करते थे और गंगाधर वो लाइब्रेरी से जाके पुस्तक लाया करते थे। स्वामी जी एक किताब लाते थे और रोज़ उसको पढ़ के वापस कर देते थे। लाइब्रेरियन दूसरी किताब देता था, पर लाइब्रेरियन कहता था क्या बात है, अगर आपको एक दिन में वापस ही करना था तो ले क्यों जाते हो, पढ़ते नहीं हो। तब स्वामी जी ने जाकर वहाँ पर कहा था कि इन पुस्तकों को मैंने पढ़ा है। तो ये स्वामी अखंडानंद वहाँ से वो करते थे। इस बीच स्वामी शारदानंद और वैकुंठनाथ सन्याल से के साथ स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा पहुँचे। वहाँ उनसे सन्याल शारदानंद जी और वैकुंठनाथ सन्याल से भेंट हुई और उसके बाद में नीचे उतरते समय उनको बुखार आ गया। स्वामी जी और अखंडानंद जी दोनों बीमार हो गए और उनको डांडी से नीचे श्रीनगर लाना पड़े, यानी श्रीनगर यानी उत्तरांचल में नहीं। और पता चला सिविल सर्जन ने देखकर कहा कि ब्रोंकाइटिस हुआ है और उसको प्लेन्स में चला जाना चाहिए, हिमालय में नहीं जाना चाहिए। इतने कष्ट भ्रमण क्लेशों के बीच में आनंद की कमी नहीं थी। और एक बार स्वामी जी को तंबाकू पीने की इच्छा हुई, अखंडानंद जी गांव में गए, किसी ने आग नहीं दी तो फिर क्या हुआ, डंडा लेके क्या कहा, ए जाके कह लठ दे के, ए जाओ देखो जाओ। साधु तो कहते हैं गढ़वाल सरीका देता नहीं, दांडा दाता नहीं, लठ मारे देता नहीं। उसके बाद सहारनपुर पहुंचे, वहां पर मेरठ में जाकर असिस्टेंट सर्जन घोष के घर ठहरे। उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम मुझे छोड़ो, मैं एकाकी भ्रमण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जाओ, लेकिन तुम पाताल में भी जाओगे तब भी हमें ढूंढ के निकाल लाऊंगा। और ऐसा हुआ भी था, स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे कि अचानक ये गुजरात में स्वामी जी से, पोरबंदर गुजरात में स्वामी जी से अचानक भेंट हुई थी। अच्छा, इलाहाबाद आबू, अहमदाबाद आबू, डाकोर, बड़ौद, भरोच, जूनागढ़, द्वारका भ्रमण करते हुए कच्छ भुज की ओर चले। और इसके बाद में और भी कहने लगे कि मैं जितना जाता था उतना मेरा आग्रह बढ़ता गया। अब एक और घटना होती है कि वहाँ से वो मांडवी से नारायण सरोवर दूर का रास्ता है, वहाँ पर अकेले जा रहे थे कि रास्ते में इनको डाकुओं ने पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। डाकुओं ने कहा कि उनके साथ लेने योग्य कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये कुर्ता ले जाओ मेरा, सब ले लो। चरण धूली लेकर कहा कि दुआ करो महाराज अपने कपड़े न दो। कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं था उनके पास में। और किसी ने कहा भी कि अगर थोड़ा सा भी कुछ होता, 5 रुपए भी आपके पास होते हैं तो आपकी ये लोग हत्या करते। और जाते हुए साधुओं ने, डाकुओं ने कहा कि दीवान पे हाथ रखे, अब बोलना मत किसी से, हम छोड़ रहे हैं तुमको। तब लोगों ने कहा कि आपका नया जन्म हुआ, बच गए आप। फिर स्वामी जी से मिले, आखिरकार मांडवी से लौटते समय मार्ग में स्वामी जी से मिले, पोरबंदर में ना। अच्छा, स्वामी जी ने उनको कहा कि मैं तुम्हारा, तुम जहाँ जाना हो जाओ, मैं आपकी बाधा नहीं बनूँगा। तो साथ में रहे कुछ दोनों तक। गंगाधर एक दिन वहाँ से गए स्वामी जी के साथ, एक 15 दिन एक पक्ष बिताया। उसके बाद
स्वामी जी से पोरबंदर में पुनः मिलन हुआ। और वैसे हम जहाँ देखते हैं कि उनका जो सेवा कार्य जो है वो आलम वहाँ पे कहाँ से हुआ था, कहते हैं कि वस्तुतः देखा जाए तो जामनगर से उनका सेवा कार्य प्रारंभ हुआ था। लेकिन बाद में उनका सेवा कार्य इधर अन्य स्थान पे हुआ था जो हम अभी देखेंगे। जामनगर में लगभग एक वर्ष तक रहे, उन्होंने सेवा किया और इस बीच वहाँ पर एक सेठ के यहाँ पे रहते थे, शंकर सेठ एक बैंकर थे, उनके घर ले जाकर उनको 4 महीने तक शंकर सेठ ने रखा था और स्नेह उनका बहुत प्यार करते थे, दूध की विशेष इत्यादि व्यवस्था की थी। लेकिन वहाँ पर जो कुछ लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने उनको चाय में या उसमें उनको कॉफ़ी में जहर मिला के उनको पिला दिया था, तो उनको डायरिया होने लगा था। और तब झंडू भट्ट विट्ठल वज्रराज थे, उनकी उन्होंने सेवा की और उनको वह झंडू भट्ट उनको घर में अपने घर ले गए। और उसी को जैसा मैंने कहा कि झंडू भट्ट की उदार भाव की बात मैंने वो श्लोक दूर के बताया, वहाँ पर मिले। जामनगर में रहने के बाद कुंडलग्रम काठियावाड़ गढ़े, बड़ौदा गए, बम्बई गए, भावनगर है अमेरिका का, तब पता चला कि स्वामी जी अमेरिका में पहुंच गए हैं। और उसके बाद में 3 ब्रह्मानंद जी और तुरियानंद जी से आबू रोड में मिले, तीनों अजमेर गए, इत्यादि सारा वर्णन है। और फिर खेतड़ी में मैं पहली बार 1.5 महीने तक राजा का अतिथि के रूप में रहा। राजा के पुस्तकालय से मैंने पुस्तकों को पढ़ा, वहाँ चातुर्मास बिताया और 1-2 महीने जैन साधु के समाधि मंदिर में निवास करके माधुकरी की, इत्यादि सब वहाँ का वर्णन है। और राजपुताना क्षेत्र में देखा उन्होंने, धनी सरदार हैं और गरीब प्रजा की हालत सर्वत्र उन्होंने दिखाई दिया उस ज़माने में। सच पूछा जाए हम तो समझते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन उस ज़माने में ये भारत में जो गरीबों और धनी व्यक्तियों के बीच में अंतर बहुत अधिक था, बहुत ही अधिक था। और स्वामी जी भी खुद दुखी थे और अगंधगाधर महाराज भी दुखी हो गए। और उसको देखा तभी मैं गरीब प्रजा के दुख निवारण के उपाय के उसको सोचता रहा, उसी को अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य के रूप में हृदयंगम करके मैंने उसमें लग जाने का निश्चय किया। उसके बाद में इस बीच उन्होंने गरीब निवारण अर्थ स्वामी जी का निर्देश मांगते हुए उन्हें पत्र लिखा। स्वामी जी ने उत्तर दिया था, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञानी पीड़ित देवो भव, यही बात है। कर्म क्षेत्र सामने पड़ा था, आदेश निर्देश पाकर मैंने प्राम कार्य शुरू किया। राजा के एक एंट्रेंस स्कूल में केवल 80 उच्चतरी शास्त्र पढ़ते थे, उनके विरोध के होते हुए भी उन्होंने राजा की अनुमति लेकर गोला यानी राजप्रसाद के भृत्य यानी जो गरीब जान वो हैं सेवक लोग हैं जाति के लोगों को भी को भर्ती कराया और छात्रों की संख्या करीब करीब 200 हो गई। तो एक और तो वह धन ये लोगों की सेवा करते थे, खाना वगैरह देते थे, और दूसरी ओर ये स्कूल चलाना, विभिन्न प्रकार के स्कूल और शिक्षा का कार्य ये उन्होंने बहुत किया। विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी भाषा के विद्यालय की स्थापना भी की, अखंडानंद जी ओंकारेश्वर, ओंकारनाथ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये मध्य प्रदेश में भी आए, जयपुर में आए और उसके बाद खेतड़ी लौट आए। वहाँ पर उनके जो संस्कृत की पाठशाला का प्रारंभ किया था और उसका नाम खेतड़ी आदर्श वैदिक विद्यालय ऐसा रखा गया था।
और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जो पत्र लिखा था उसमें भी स्वामी जी ने उनको इमीडिएटली बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बेलूर मठ से देकर दो आदमियों को उनके एक जब स्वामी जी ने उन्होंने देखा इधर जब बहुत गरीबी है और बुरी हालत है तो स्वामी बेलूर मठ में पत्र लिखा, स्वामी जी ने उनको अनुमति दी और दो उनके असिस्टेंट के रूप में उनको भेजे भी और उसके साथ में कुछ लोगों ने धन भी उनको प्रदान किया। देखा था एक नाम था, एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनको धन दिया था सब कार्य प्रारंभ करने के लिए। तो ये इस प्रकार से स्वामी जी सब करते रहे और एक बार उनको एक दर्शन हुआ। अखंडानंद आलम बाजार मठ में जब आए तो उन्हें एक बड़ा सुंदर दर्शन हुआ, बहुत सुंदर दर्शन है। वो कहते हैं कि एक बार सिर दर्द बहुत हो रहा था, मलेरिया के कारण कष्ट पा रहे थे और फिर क्या कर रहे थे, दूर नहीं हो रहा है तो क्या किया, अद्वैत वेदांत का चिंतन करने लग गए। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, केवल एक सच्चिदानंद स्वरूप इत्यादि हैं। लेकिन उन्होंने तब क्या देखा, एक दर्शन हुआ, एक बाल गोपाल का दर्शन हुआ, एक सामने घुटने के बल जीवंत बाल गोपाल विराजमान है, मानो एक बृहत कांत मणि, नीलकांत मणि में खुदाई करके उन्हें गढ़ा गया हो, इतना सुंदर। क्या है सुंदर डोल सुडोल मूर्ति, गोपाल के अंगों से ज्योति छटक रही हुई कारे कमरे को आलोकित कर रही थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके हृदय में विराजित राजांगनाओं के समान दिव्य वसन भूषणों से सुशोभित माँ शोरदा यशोदो गोपाल को अच्छे अच्छे खाद्य खिलाने के लिए पुकार रही है। आ बेटा मेरा गोपाल, यदुमणि नीलमणि, आ दुखिया के आंचल की निधि इत्यादि। यह लीला चल रही थी कि वहाँ श्री राम कृष्ण प्रकट हुए और श्री राम कृष्ण प्रकट हुए का देख ये कैसा विलक्षण भाव, तो उनके मन से वो अद्वैत भाव चला गया और फिर कहने लगे, प्रभु मुझे निर्वाण की आवश्यकता नहीं, आहा इसी भाव को लेकर मैं सैकड़ों बार जन्म लेना चाहूँगा। उसके बाद वे ठाकुर और गोपाल और यशोदा को पकड़ने के लिए जो ही चले गए वे अदृश्य। ये एक बहुत ही सुंदर वो है, दृष्टांत है। और एक और घटना उस प्रकार की भी है कि एक बार बहुत गर्मी थी और गुरु भाइयों को उन्होंने देखा कि बड़े गर्मी हो रही है तो पंखा लेके चलने लग गए। पंखा लेकर झगने लगे तो देखा कि उनको जो गर्म थकान और ठंड गर्मी लग रही थी वो बिल्कुल गर्म दूर हो गई है और वे उनको शांति और यानी शरीर जो है वो ठंडा हो गया। वही अखंडानंद जी पंखा कर रहे थे उस प्रकार शरीर हो गया। अब उसके बाद में मुर्शिदाबाद की घटनाएं हैं। अरे इसके बाद में आगे चले वो वापस निकले घूमने के लिए कि कटवा से लेकर मुर्शिदाबाद के अकाल का प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन किया। बड़ा सुंदर दर्शन है। ये घटना का वर्णन है कि वो एक बच्ची रो रही थी, क्या हुआ, उसका बर्तन टूटा, मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ था। वो कह रही थी कि माँ के पास बर्तन एक ही है, माँ ने पानी लाने को दिया है, वो टूट गया है, माँ मुझे मारेगी। तो उन्होंने एक चवन्नी थी उनके पास में शायद, तो आधे आधे यानी दो पैसे की उन्होंने बर्तन खरीद के दिया और उसको थोड़ा सा खाने को दिया। इतने बहुत सारे वो लोग आ गए, बच्चे जो घूम रहे थे खेल रहे थे उनके खाने को कुछ नहीं था, उन्होंने बाकी जितना था उससे उसको खरीद के उनको खाने को दिया और वहाँ से रवाना हो गए। तब इतने में एक ने किसी ने कहा कि स्वामी जी देखिए वो एक महिला है, वो पड़ी हुई है, मरने वाली है। जाके देखा तो एक गया वैष्णवी नाम की एक बुढ़िया पड़ी हुई है और उसका पैखाना हो रहा है। तो उन्होंने सब उसको साफ किया, सब किया। तो उसने कहा, अरे तुम मेरे अगले जन्म में पुत्र रहे होगे, इसीलिए मेरी सेवा इतने कर रहे हो। अखंडानंद जी कहते हैं कि पुत्र जन्म ने क्या, इस जन्म में भी तुम्हारा तेरा पुत्र। कहते हैं
कि इस जन्म में भी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। उतना किया। उसके बाद में आगे चले तो सभी जगह दुर्भिक्ष और क्या करें। और तब उन्होंने सुना तो देखा है सब सेवा कर रहे हैं लोग। उनको दंडी ठाकुर, पहले एक साधु रहते थे और दंडी ठाकुर कहा जाता था, वो समझे कि वही हैं। वो दंडी ठाकुर के वो नाम हो गया उनका। और एक दिन ब्राह्मण के घर में भिक्षा करके जीवन यापन करने लगे, लेकिन अकाल पीड़ितों को देखने के कारण उनको शांति नहीं होती थी और प्रार्थना करते थे। एक दिन उनको प्रार्थना सुनाई दिया, मानो ठाकुर कह रहे हैं देखना क्या होता है। और एक बार और भी उनको इस प्रकार का हुआ। तब उन्होंने गुरु भाइयों को पत्र लहवार लिखा, यहाँ पर आया है ये, यहाँ पर ये है, मुर्शिदाबाद की बात है। गुरु भाइयों को उन्होंने लिखा, स्वामी जी ने उनको बहुत प्रसन्न हुए। और महाबोधि सोसाइटी के सचिव श्री चारू चंद्र बोस ने उनको धन की व्यवस्था कर दी और स्वामी जी ने दो सेवकों को अखंडानंद जी की सेवा के, उनकी सहायता के लिए वहाँ पर भेज दिया। और यह हुआ रामकृष्ण मिशन का रेगुलर सेवा कार्य। सबसे पहले जिसे कहते हैं रिलीफ वर्क, मिल के ऑर्गेनाइज होके सुव्यवस्थित ढंग से सेवा कार्य प्रारंभ हुआ। अब सेवा तो हो गया, रिलीफ वर्क तो हो रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं बच्चों का क्या होगा। उन बच्चों को भी उन्होंने लिया, बच्चों को गृह विहीन थे उनको अपने पास रखा। जिले में जो जिलाध्यक्ष थे, जो कलेक्टर थे, उन्होंने उनका अनाथों को लेकर यदि आश्रम निर्माण कहा, उनसे बात हुई और कहा कि अगर आश्रम निर्माण किया जाए तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी से सहमति पाकर दो बच्चों को लेकर उन्होंने अपना आश्रम शुरू किया और धीरे धीरे ये बढ़कर एक बड़ा हो गया। और सारगाछी में एक जली जमीन लेकर वो सब भूमि बनकर उसमें वहाँ पर वो सब कार्य चलता रहा। शिवनगर में एक बिल्डिंग बनी, आश्रम परमानेंट स्थान पर शिफ्ट हुआ, इत्यादि सारी हैं। और उसके बाद में 1922 में स्वामी ब्रह्मानंद जी के शरीर जाने पर उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और 1934 में जब शिवानंद जी का शरीर गया तब उनको रामकृष्ण मिशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। तब वे आधे समय सारगाछी, अधिकांश समय सारगाछी रहते थे प्रेसिडेंट होते हुए भी, और कुछ समय बेलूर मठ रहते थे। और उन्होंने श्री राम कृष्ण की सेंटेनरी 1936 में उनसे पूछा गया कि आपका संदेश क्या है। इनका मेरा अपना कोई संदेश नहीं है, वो जो भी संदेश है वो भगवान ठाकुर का ही है। आई एम इन्फिनिट इटर्नल, व्हाट इज़ माय सेंटेनरी। मैं तो ठाकुर का क्या है कि मैं तो अनंत हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मेरी सेंटेनरी कैसे हो। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी सेंटेनरी कैसे हो। इस प्रकार का यह वर्णन आता है। उसके बाद में अंतिम काल समय आया, दीक्षा के समय उनको जब वो हुए तब वो दीक्षा दिया करते थे। और उसके बाद में उनका शरीर कौन सी तारीख को गया के बाद 7 फरवरी 1937 ईस्वी को दोपहर को 3 बजे 7 मिनट पर उनकी यह लीला समाप्त हुई। तो ये संक्षेप में हमने अखंडानंद जी के जीवनी को पाठ कर लिया। आज उनका जीवनी है, ये एक्सेप्शन ठाकुर के जितने भी शिष्य थे अपने अपने रूप में विशेष थे। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।